जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में फीस की बढ़ोतरी को लेकर व छात्र आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुए बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज को लेकर छात्रों व लोगों में लगातार गुस्सा फूट रहा है। इसी बाबत संज्ञान लेते हुए डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट्स फ्रंट ऑफ इंडिया करनाल व अन्य सामाजिक संस्था द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। इनकी मुख्य मांगे केंद्रीय सरकार की ओर से JNU में जो फीस बढ़ोतरी की गई है उस बढ़ोतरी को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए, क्योंकि विश्वविद्यालय में गरीब व मजदूर तबके के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। सरकार की ओर से जो मौजूदा फीस वृद्धि की गई है वह इतनी ज्यादा फीस है कि भरने में असमर्थ है, इसलिए छात्रों का भविष्य अंधकार में होने से बचाया जाए। इसमें विजय मेहरा, दीपू सुल्तानपुर, पंकज तथा सोनी माजरा व सुनील दहिया समेत अन्य लोग मौजूद रहे। कहना चाहेंगे किसी आज ज्ञापन देने आप यहाँ पहुँचे? सर, आज हम यहाँ पर ज्ञापन देने इसलिए पहुँचे हैं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में फीस की बढ़ोतरी को लेकर बच्चे वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके ऊपर हमारी सरकार जो है वो लाठी चार्ज कर रही है, तो उसी चीज का एक शांति में आज प्रोटेस्ट लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं और एक केंद्रीय शिक्षा मंत्री के लिए हम लोग एक ज्ञापन लेके आए हैं, जिसमें हम उनसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि पुरानी फीस लागू की जाए और साथ में बच्चों के साथ जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है उसको जल्द से जल्द रोका जाए। 5266 रुपए था, लेकिन आज जो बढ़ा के कर दिया गया वो 48,000। इस तरह की मांग सरकार की हो रहा है आपकी? हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है सर कि देश के विकास को किन चीजों से नाप रहे हैं, बस वो चीज समझ में नहीं आ रही है। आज मेरे देश को शिक्षा की जरूरत है। आज शिक्षा को सड़क पे लाकर अगर सरकार ये सोच रही है कि हम एक बेहतर भारत बना लेंगे तो वो संभव नहीं है। आज हमें जरूरत शिक्षा की है और एक बेहतर समाज की है, तो शिक्षा के बगैर इन चीजों का कोई अस्तित्व नजर नहीं आ रहा है। तो आज सरकार को यही बताना चाहते हैं कि शिक्षा को ऊपर उठाने का काम कीजिए, नीचे गिराने की जरूरत नहीं है। JNU एक ऐसी संस्था है जहां पर देश के सबसे बेहतरीन बच्चे निकलते हैं, जहां से देश का सबसे क्रीम बच्चा निकलता है। JNU का एंट्रेंस एग्जाम भी अगर कोई पास कर लेता है वो भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आज कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को ये कहते हैं कि JNU को बंद करवा देना चाहिए क्योंकि वहां से आतंकवादी निकलते हैं, तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि वहां से देश के साइंटिस्ट भी निकले हैं, वहां से देश के बहुत से और लोग भी निकले हैं, IPS भी निकले हैं, लेकिन उन लोगों को ये सब चीजें नजर नहीं आ रही है। वो सिर्फ एक वो छोटी सी कमी को देख रहे हैं, लेकिन हम उन चीजों को सबको अलग रख के हम देश को शिक्षा की तरफ ले जाने की चीजों को देख रहे हैं। हम उस आतंकवादी घटना का कोई समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हम शिक्षा का पूर्णतः समर्थन करते हैं और JNU को हम एक शिक्षा संस्थान के रूप में देख रहे हैं और इसीलिए हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। वहां पर लाठी चार्ज किया गया था सर, शांति में पूर्ण तरीके से वो लोग वहां पर बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे। मेरे भारत का संविधान हम लोगों को ये अधिकार देता है कि हम लोग को प्रोटेस्ट का हमें अधिकार है, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों को प्रोटेस्ट कर रहे थे। लड़कियों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, उनको बाल पकड़ के खींचा गया, उनको मतलब अंधे स्टूडेंट्स होते हैं जो लैंग्वेज के कोर्सेज वहां पे कर रहे थे उनको मारा गया। मतलब सरकार कहीं पर भी ये नहीं सोच रही है कि शिक्षा की जरूरत है, उन लोगों को सिर्फ ये लग रहा है कि क्योंकि ये अपनी मांग को अपनी आवाज को ऊपर उठाना सीख गए हैं, इनकी आवाज को दबाने का काम आज सरकार कर रही है और हम लोग इस बात का पूर्णतः विरोध करते हैं, क्योंकि हम सरकार के हक की बात नहीं करना चाहते, हम अपने हक की बात करना चाहते हैं। जब तक हम लोग अपने अधिकार अपने हक की बात नहीं करेंगे तब तक शायद इस देश का विकास नहीं है, और इस देश का विकास सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से संभव है और किसी चीज से संभव नहीं है। ज्ञापन में जो JNU के विश्वविद्यालय की जो छात्रों की जो फीस बढ़ाई गई है, जिसमें पोस्टल चार्जिंग है, कमरे का किराया, बिजली का बिल है, मेंटेनेंस का, ये जो सब जो फीस बढ़ाई गई है, तो इसको लेके जो ये हम जो प्रोटेस्ट चल रहा है JNU में, उसको लेकर हम यहाँ पे DC के माध्यम से यहाँ पे केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री है उनको हम ज्ञापन देंगे कि जो छात्रों के साथ जो शोषण किया जा रहा है, जो लाठी चार्ज किया जा रहा है, ये बहुत अमान्य घटना है, क्योंकि सरकार के हम केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उनके इस बात को संज्ञान में लेकर और इसको जो फीस की बढ़ोतरी की गई है इसको कहीं ना कहीं वापस लिया जाए, क्योंकि पीछे भी हरियाणा में भी जो फीस की बढ़ोतरी की गई थी उसको लेकर छात्र संगठन ने, डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया और भी बहुत से जो छात्र संगठन हैं उन्होंने सभी ने संघर्ष किया, तो उस फीस को सरकार ने वापस लिया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो JNU जो विश्वविद्यालय है वो भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, जो वहाँ पर अल्पसंख्यक के माइनॉरिटी के जो छात्र पढ़ते हैं, गरीब तबके के जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए वो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, तो हमारे लिए जो
विश्वविद्यालय है जेएनयू, वो बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है क्योंकि वहाँ पे जो मेरे वर्ग के लोग पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं सरकार उसको बंद करने का काम कर रही है। ये साथी जो छात्र वहाँ लीडरशिप कर रहे हैं, जो नेता वहाँ से जेएनयू से निकल रहे हैं, उसको ख़त्म करने का काम ये सरकार कर रही है। तो हम सरकार से यही निवेदन करेंगे, केंद्र सरकार से यही निवेदन करेंगे कि जो छात्रों के शासन शोषण किया जा रहा है फीस की बढ़ोतरी को लेकर, उसको कहीं ना कहीं कम किया जाए। आने वाले फ्यूचर में यही होगा कि जो अगर सरकार इन मांगों को नहीं मांगती तो जेएनयू में जैसे प्रोटेस्ट चल रहा, हम अपने करनाल लेवल पे और पूरे राज्य लेवल पर इस तरीके का हम जिला स्तर पे अपना प्रोटेस्ट करेंगे, ताकि जो छात्रों की आवाज़ है, क्योंकि छात्र जो है वो समाज की देश की रीढ़ की हड्डी है, और छात्रों को ही कहीं ना कहीं सरकार तोड़ने का काम कर रही है। तो आज क्या, आज किस लिए पहुंचे हैं? आज हम ये इसलिए पहुंचे कि जो वहाँ पे लाठीचार्ज हुई है जो जेएनयू विश्वविद्यालय को, उसको लेकर हम अपनी तरफ से यहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया के शिक्षा केंद्रीय मंत्री को अपना ज्ञापन देना चाहते हैं कि जो फीस जो बढ़ाई गई है कहीं ना कहीं उसको वापस लिया जाए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।